highly indebted by your esteemed presence. Navrang Guelph's listenership is both Hindi and English, so we will communicate in these languages interchangeably. I think you are comfortable with that. And you love to talk in Hindi. मैंने आपकी हिंदी सुनी है तो आप तो मैं दोनों ही भाषाओं में अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करता हूँ. थैंक यू सो मच. डॉक्टर पांड्या असीम ज्ञान के पुंज हैं. उनका बचपन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता जी के संरक्षण में बीता. आप ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार AWGP के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं शैल जी के सुपुत्र हैं. आपकी प्रारंभिक शिक्षा गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज हरिद्वार में हुई. हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून से MBBS डिग्री की डिग्री प्राप्त करने के बाद UK गए. वहां आपने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिस्ट्स की मेंबरशिप प्राप्त की. आप वेस्ट लंदन मेंटल हॉस्पिटल ट्रस्ट में एसोसिएट स्पेशलिस्ट की पोजीशन पर कार्यरत रहे, लेकिन आपके अंतर्मन की पुकार और परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने की प्रबल इच्छा ने आपको भारत माता की सेवा करने हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बुला लिया और आप 2010 से इस यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर की भूमिका में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसके सर्वांगन विकास में पूरी तरह इन्वॉल्व हैं. श्रद्धा डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने अभी मिल्टन में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया. यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाई वट यू डू टूडे, नॉट बाई द सर्टिफिकेट्स ऑनर्स क्रेडेंशियल्स फ्रॉम द पास्ट, though they definitely contribute to your overall personality. So, we move on to what Dr. Pandya is today. He occupies multiple roles in the university, and these are some of them. He is the editor of Dev Sanskriti, which is an international journal. He is the director of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya School of Yoga and Health. He is chairperson of International Festival of Yoga. He continues a busy psychiatric practice on a pro bono basis. I may tell you, my listeners, pro bono means without any charge. Am I right, sir? Yeah. I have put 5 stars on this activity, which is coming now, which is, he's an excellent orator. I have put 5 stars on that. Cites examples from everyday life, which leave a lasting impact on your mind. There is a lot more to say about Dr. Chinmayji, but it is better for my listeners to Google him for the flood of information which has Google covered for this great personality. Once again, I welcome you, sir. So my first question right away is, what is Dev Sanskriti Vishwavidyalaya and where is this located? त्रिखा जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय इज़ ए वेरी यूनिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. अपने आप में अद्भुत है और एक बिल्कुल ही डिफरेंट सोच के साथ उसको परम पूज्य गुरुदेव ने इन्विजन किया था. इन 1964, मार्च 1964, ही टॉक्ड अबाउट हैविंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच शुड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअल टू द सोसाइटी. उनका कहना था कि यदि विश्वविद्यालय हैं या जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनका रोल यहीं पर लिमिटेड हो जाता है कि हम लोग बच्चों को डिग्री और सर्टिफिकेट दें, एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमें और फोटोकॉपी मशीन में क्या अंतर आ गया? हु वुड गिव द वैल्यूज, हु वुड गिव द राइचियस पाथ टू द इंडिविजुअल्स? सो ही न्यू इज इन हैविंग दिस इंस्टीट्यूशन, एंड दैट्स वाई द देव संस्कृति विश्वविद्यालय इज बिट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एंड इट्स लोकेटेड इन हरिद्वार. हरिद्वार भारत के 4 प्रसिद्ध नगरों में से एक है. जो भी व्यक्ति भारत जाए उसके माइंडसेट में हरिद्वार इज कैरिंग ए वेरी स्पेशल प्लेस. इट्स लाइक यरूशलेम ऑफ इंडिया. तो आप भारत के इन चुनिंदा शहरों में से एक है जिसकी अपनी होली सिग्निफिकेंस है, दिव्य क्षेत्र है, और वहाँ पर हम लोग लोकेटेड है, लिटरली बिटवीन हाफ इन हरिद्वार हाफ इन ऋषिकेश. तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय फिजिकली हरिद्वार में, स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, लगभग दिल्ली से 260 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ हिमालयाज में, जहाँ पर एक तरफ हिमालय है और दूसरी तरफ गंगा हमारे बह रही हैं, वहाँ एक ऐसे क्षेत्र में वी आर लोकेटेड. बहुत ही खूबसूरत जवाब दी पांड्या जी.
दूसरे जो मैंने क्वेश्चन था मेरा, उसका जवाब आपने उत्तर पहले ही दे दिया, लेकिन मैं फिर से अपने लिसनर्स को बता दूं कि मेरा दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ देव संस्कृति विश्वविद्यालय एंड व्हाई दिस यूनिवर्सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। हाँ नहीं, आई थिंक द क्वेश्चन इज़ वेरी पर्टिनेंट एंड वुड रिक्वायर प्रॉब्ली मच मोर आंसर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वन। कई दृष्टि से अद्भुत है, यूनिक है। फिलोसफी की दृष्टि से तो मैंने बताया कि बनाने के पीछे का उद्देश्य था कि हम बच्चों के अंदर सारे गुण दे सकें, पर बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो बाकी इंस्टीट्यूशन में संभव नहीं है। और एक जो पहली चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ और मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आपके बोर्ड पर भी यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग भारत का पहला और अकेला विश्वविद्यालय हैं जो बिना किसी ट्यूशन फी के चलते हैं। वी सेलेक्ट दोज हु आर एकेडमिकली वर्थ बट दे डू नॉट हैव द फाइनेंशियल मींस टू सस्टेन देमसेल्फ, जिनके पास अपने एजुकेशन के लिए फाइनेंसेस नहीं है, और ऐसे विद्यार्थियों का हम चयन करते हैं और उन विद्यार्थियों को हम लोग एजुकेशन देते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन है। और इन रिटर्न एक जो कॉन्सेप्ट गुरुदेव ने दिया वो था सोशल इंटर्नशिप का, कि हर विद्यार्थी इसके बदले में जाकर समाज सेवा का काम 3 महीने के लिए करे, क्योंकि उनको एजुकेशन फ्री मिल पाई समाज के कंट्रीब्यूशन से, दे शुड रिटर्न इट बैक टू द सोसाइटी। सो दैट इज वन ऑफ द यूनिकनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देर आर मेनी अदर यूनिकनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। वन इज द कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जैसे हमारे यहाँ हर विद्यार्थी संस्कृत कम्युनिकेशन मैंडेटरी है पर इंग्लिश कम्युनिकेशन भी मैंडेटरी है। हर विद्यार्थी यज्ञ और योग जानता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मार्शल आर्ट, जूडो भी जानता है। एंड एवरीवन रिसीव्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एंड दे ऑल आर टॉट सम वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स व्हिच आर नॉट बीइंग टॉट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। लाइफ मैनेजमेंट का एक स्पेशल मॉड्यूल है जहाँ पर विद्यार्थी गाँव में जाए, समाज सेवा करे और सोशल सर्विस के माध्यम से लर्न करे कि मुझे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करने की आवश्यकता है। साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का स्पेशल फाउंडेशन कोर्स हम चलाते हैं जहाँ पर हम दोनों माध्यमों के बीच में ब्रिज करने का प्रयत्न करते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर यूनिकनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट आई थिंक वी वुड कवर इन द। एक अगला भी क्वेश्चन इसके साथ ही है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं और मेरे दिमाग को वो एनलाइटन कर रहे हैं, ब्राइटन कर रहे हैं। सो अगला, व्हाट इज द विजन ऑफ देव संस्कृति विश्वविद्यालय? विजन ये था कि अच्छे इंसान निकल करके हम लोग समाज को दे सकें। आज विद्यार्थी डिग्री तो लेकर के निकलता है और आप देखें विश्वविद्यालयों में तो एक चीज़ हो भी रही है कि द आइडिया वाज दैट स्टूडेंट शुड गो टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन रिटर्न बीइंग ए बेटर इंडिविजुअल। बेटर तो आदमी शायद नहीं बन पाता, हो सकता है वर्स इंडिविजुअल बन जाए यदि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाए। और हम लोगों की एकदम सोल थिंकिंग ये थी कि हम विद्यार्थी को अच्छा डॉक्टर बनाएं, अच्छा इंजीनियर बनाएं जो डिसिप्लिन हम लोग पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ अच्छा इंसान बनाए, उसके अंदर मानवता का बोध हो, कोई व्यक्ति दुख में है, कष्ट में है, उसको दूर करने का भाव उसके अंदर आए। तो विजन तो यही है कि अच्छे इंसान समाज को मिल सकें। बहुत खूब, बहुत खूब। नवरंग ग्वेल्फ के लिसनर ये समझना चाहेंगे, ये है तो बहुत डीप है, लेकिन आई एम प्रेटी श्योर कि आप इसमें अंतर कर सकें, करवा देंगे आई एम श्योर, कि शिक्षा और विद्या में क्या फ़र्क है? ये सिद्धांत गुरुदेव का दिया हुआ था और बहुत अद्भुत चिंतन के साथ उन्होंने दिया था कि शिक्षा जो है वो साक्षरता देती है, जो हम लोग आजकल लिटरेसी देती है। तो जो हम पढ़ाते हैं अदरवाइज दैट इज़ ओरिएंटेड टुवर्ड्स द फिजिकल यू नो डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से आपको डिग्री मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, उसका जो मूल आधार है वो शिक्षा है, जो व्हाट वी आर अदरवाइज गिविंग। विद्या वो है जो जीवन में सार्थकता देती है, what gives you, what makes you to become a better individual, which we are actually trying to teach like a curriculum, while it is not being taught by the curriculums per se, but by the experience of the individual. जो व्यक्ति को उसका खुद का अनुभव सिखाता है और उसकी खुद की जीवन यात्रा सिखाती है, वो दुनिया की कोई किताब नहीं पढ़ा सकती। तो इसीलिए हम विद्यार्थी को सीधे समाज के साथ संपर्क सिखाते हैं कि वो वहाँ जाए और जीवन के लिए नेसेसरी और मूलभूत गुणों को लेकर के लौटे। अपने कैंपस में भी हम उन चीज़ों को पढ़ाते हैं, वो संस्कार देने का प्रयत्न करते हैं, वो शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन आता है वो उनका सीधे समाज सेवा के माध्यम से आता है। जब वो विद्यार्थी 1 से लेकर के 6 महीने तक की समाज सेवा करते हैं, विच इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, तो उसके बाद जो उनके व्यक्तित्व में विकास होता है, द एम्बेलिशमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी दैट दे गेट, दैट इज़ इरिप्लेसेबल, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक्सेलेंट, बहुत बहुत
खूब जवाब दिया, बहुत खूबसूरत उत्तर दिया आपने। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे था, वहाँ से काफ़ी आई एम डीपली इम्प्रेस्ड बाय व्हाट देव संस्कृति विश्वविद्यालय इज़ डूइंग। इट मस्ट बी हैविंग कैंपसेस ऑल ओवर इंडिया, सो आई वुड लाइक टू सर टू जस्ट थ्रो लाइट ऑन वेयर इट हैज़ हाउ मेनी कैंपसेज इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अभी जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मेन कैंपस है दैट इज इन हरिद्वार, ऑल्दो वी हैव गॉट डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर्स वेयर वी आर ऑफरिंग द डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया, ऑल्दो हम लोगों के भविष्य की प्लानिंग में अन्य राज्यों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय खोलने की प्लानिंग है जिस पर अभी कार्य चल रहा है। कुछ स्टेट्स में हम लोग लैंड ले भी चुके हैं, वर्क करना शुरू भी हो गया है, पर अभी जो मेन फोकस है हम लोगों का कार्य करने का वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, जहाँ पर हम लोग 70 के करीब कोर्स प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और वी आर हाउसिंग अबाउट 4000 स्टूडेंट्स देयर ऑन साइट, जिसमें से 1400-1500 रेगुलर प्रोग्राम्स में है, दे आर रिसाइडिंग इन द कैंपस एंड अबाउट 2600-2800 आर इन द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम विच आर कमिंग देयर फॉर द क्रैश कोर्सेज एंड देन दे आर यू नो गिविंग देयर एग्जामिनेशन फॉर द डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है जी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय हैज एस्टेब्लिश्ड कोलैबोरेशंस विद ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, सो आई वुड लाइक यू टू थ्रो अ लिटिल लाइट ऑन दिस। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आज की तारीख में शायद 38 से 40 के करीब हम लोगों के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैं। नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज स्पेयर्ड, वी हैव गॉट एक्सटेंसिव कोलैबोरेशंस इन यूरोप रेंजिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन यूके टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया, यूनिवर्सिटी ऑफ लिथुएनिया, हुम्बोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन, केडब्ल्यू यूनिवर्सिटी ऑफ पोलैंड एंड देर आर मेनी अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन एंटायर यूरोप वेर वी आर रनिंग म्यूचुअल एक्सचेंज एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज एंड मेनी अदर कोलोबरेटिव एक्टिविटीज। इन एडिशन टू दैट अमेरिकाज में हम लोगों के कोलोबरेशंस हैं एंड यूनिवर्सिटी ऑफ गुल्फ के साथ वी आर इन द करेंट। या मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि हैव यू एवर थॉट ऑफ हैविंग कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ गुल्फ। It's almost in the final stages of. Oh, congratulations and congratulations to us. So it's almost actually in the final stages. Oh, good. I came here last year and we started to develop this idea. और अभी जो है लगभग अंतिम stages में है because we did not want to create a collaboration which is just an ornamental piece of paper. कि लोग sign करें और हम लोग खुश होकर अपने घर को जाएं. उद्देश्य था कि वी शुड बी एबल टू डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द सोसाइटी एंड ऑन फर्म फुटिंग। ऑन फर्म फुटिंग, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डेवलप विद द यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ इज एब्सोल्युटली हिस्टोरिकल, दैट हैज नेवर बीन डन एनीवेयर एल्स, और ये जो हम लोगों का कोलैबोरेशन होगा आई एम वेरी वेरी सर्टेन कि इट वुड बी वन ऑफ अ काइंड। मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो आपके व्यक्तित्व से, आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से बहुत ही प्रभावित हूँ, लेकिन आज जो बात करके मेरे को और ज़्यादा उसमें एनफोर्समेंट मिल रही है कि आप देव विद्यालय के प्रो वाइस चांसलर की हैसियत में ऐसे फर्म फुटिंग पे काम कर रहे हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक ए शॉर्ट रेंज थिंग, यू आर वर्किंग फॉर युगों युगों के लिए इसको, अगली जनरेशन से अगली जनरेशन हमारे बच्चे इसको पहचाने कि यहाँ पर क्या होता है, और वो सभी पॉसिबल हो चुका है आपके पुरुषार्थ के कारण और आपके पापा क्योंकि साथ साथ में वो चल रहे हैं। हमने मिल्टन में भी देखा, हमने कल भी देखा, कालीबरी साथ में बैठे हुए हैं, आपको पूरी गुरुदेव की छत्रछाया तो है ही है, गुरुदेव का आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन जो आप कर रहे हैं आई सल्यूट दैट। एंड श्रद्धेय कुलाधिपति भी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में सारे डेवलपमेंट होते हैं and he had been the visionary and the architect of entire institution and everything has evolved because of his sheer wish and will. हम फिर जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है इसमें आते हैं, लेकिन एक बात मेरे भूल जाती है, कई बार इधर उधर चली जाती है। आप हमारे स्टेशन डायरेक्टर की बातचीत जब चल रही थी उनको बता रहे थे कि आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए यहाँ पे हैं, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस टाइमिंग्स एंड हाउ आर यू क्रिएटिंग एंड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। मैंने तो 3-4 दिन का आपका प्रोग्राम देखा एंड नाउ आई विल बी इन किंगस्टन, तो आपसे ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, मेरी वाइफ के पास भी 24 घंटे हैं,
छवि राम जी के पास भी 24 घंटे हैं, वो हम सभी वो काम नहीं कर सकते या कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। इंसान करता दिखता है त्रिखा जी, पर करने वाली तो परमात्मा की शक्ति होती है, और मेरे ख्याल से यदि व्यक्ति का समर्पण मजबूत हो जाता है तो परमात्मा की देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो जो भी होता हुआ दिखाई पड़ता है हम लोगों के माध्यम से कम है, उनके गुरुदेव के वंदनीय माता जी के उनके आशीर्वाद से ज़्यादा है, अनुकंपा से ज़्यादा है। और जहाँ तक है शेड्यूल का, तो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से चीज़ें ईजीली पॉसिबल हो जाती हैं। अपना स्वयं का भी आदमी का साधना स्वाध्याय नियमित चलता रहे तो व्यक्तित्व में ताकत भी बनी रहती है, ऊर्जा भी बनी रहती है। बहुत खूब जवाब दे रहे हैं, मैं बार बार आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, थैंक्स कर रहा हूँ नवरंग वेल्फ की तरफ से, CFRU स्टूडियो की तरफ से, रेडियो की तरफ से। मेरा अगला क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, देव संस्कृति विश्वविद्यालय इम्पार्ट्स एजुकेशन इन एरियाज लाइक योगिक साइंस, अल्टरनेटिव थेरेपी, इंडियन कल्चर, टूरिज्म, रूरल मैनेजमेंट, थियोलॉजी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज कोर्सेज इन दिस मॉडर्न एरा? वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल द योग एंड हेल्थ आई वुड से, बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड वी आर पायोनियर इन मेनी ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिंगिंग द योगिक कोर्सेज टू द मॉडर्न करिकुलम। हम लोग भारत में शायद नंबर वन है, सर्टिफिकेट से लेकर PhD, DLED, DSc तक के प्रोग्राम योग में हम लोग ऑफर कर रहे हैं। सर्टिफिकेट है, एडवांस डिप्लोमा है, बैचलर है, मास्टर्स है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, PhD है, DLED है, DSc प्रोग्राम है। और अभी जो भारत का नंबर वन टेस्ट होता है टू चेक द एकेडमिक स्ट्रेंथ एंड रिगर ऑफ ए एस्पिरेंट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उसमें लाखों लोग बैठते हैं और सेलेक्टेड 100-200 लोग सेलेक्ट होते हैं। आउट ऑफ देम 87 वर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन। ओह माय गॉड, आउट ऑफ टॉप। आप NET टेस्ट की बात कर रहे हैं, नेट टेस्ट में। और वो योग एंड हेल्थ में इतना स्ट्रांग होल्ड हम लोगों का रहा है, वेरी स्ट्रांग। और एकेडमिक रिगर की दृष्टि से, उसकी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन की दृष्टि से, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि मॉडर्न से हम कैसे ब्रिज करते हैं, तो हमारे जो MSc स्टूडेंट्स हैं इन योगिक साइंसेज इन होलिस्टिक हेल्थ, they apart from learning the traditional texts of the yoga, they are also learning anatomy and physiology, they are also learning pathological basis of the diagnosis, and they are also taking part in the hospitals, sitting with the doctors to learn about the making the diagnosis and treatment as at par to the any other clinician in the world. एंड इक्वली जो आर्ट साइड से जाते हैं उनको हम लोग लीडरशिप, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाते हैं, सो दैट दे डेवलप ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एकेडमिक परस्यूट और ऑल्सो जो कॉरपोरेट अंडरस्टैंडिंग है, और बाकी स्थानों पर जा कर के चीज़ों को खुद डेवलप करना है वो हम उनको वहाँ पर सिखाते हैं। वेरी वेल सेड। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर से एक और आया है, आई एम श्योर द स्टूडेंट्स पासिंग आउट फ्रॉम देव संस्कृति विश्वविद्यालय आर एक्सेप्शनली ट्रेंड, जैसे आप बता रहे हैं, डू दे फेस एनी चैलेंजेस इन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन द प्रेजेंट एरा? 93% शायद हम लोगों की एम्प्लॉयमेंट रेट है, और जो बाकी की 7% हैं, दैट आई एम ऑल्सो श्योर कि वो जो स्टूडेंट हैं दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड, दे हैव टेकन ए पाथ ऑफ द सोशल सर्विस, एंड बिकॉज हम लोग उनको एम्प्लॉयमेंट के पैरामीटर्स में एम्प्लॉयड नहीं दिखा सकते, बिकॉज दे आर वर्किंग कम्प्लीटली फॉर द सोसाइटी, सेल्फलेसली दे आर वर्किंग। मैनी ऑफ देम आई नो जो इस समय सिर्फ जाकर के स्लम्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दिस इज वॉट दे रियली टच देयर हार्ट। अदरवाइज वी हैव गॉट अ वेरी हाई एम्प्लॉयमेंट रेट, योग एंड हेल्थ में ऑलमोस्ट 100% एम्प्लॉयमेंट है। विदेश में कई स्थानों पर विद्यार्थी हैं, उनके स्वयं के योगा स्टूडियो हैं, कुछ एकेडमिक सेक्टर में हैं, कुछ जो हैं क्लिनिकल में चले गए, सम हैव परस्यूड इन द डॉक्टोरल एंड पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। एंड इक्वली चाहे कोई सी भी डिसिप्लिन को लें, साइकोलॉजी में 100% है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन में 100% है, एनिमेशन वी आर वेरी स्ट्रांग। अभी जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें 20 ऑफ आवर स्टूडेंट्स वर्कड इन द विजुअल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट, एंड सम ऑफ देम आर वर्किंग इन कैलिफोर्निया इन द 3D एनिमेशन। और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, दे आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में कई जगहों पे प्लेस्ड हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। फिर एजुकेशन है, केंद्रीय संस्थानों में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, IAS अभी कुछ स्टूडेंट निकल करके गए हैं, तो देर आर मैनी स्टूडेंट्स आर इन वेरी वाइड स्प्रेड फील्ड, और उनका डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट इज 100%। एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि करीबन 35-40 साल पहले, 35 साल अगर मैं बोलूं, तो हरिद्वार में मैंने ब्रह्मवर्चस्व
शोध संस्थान में डॉक्टर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हम वैसे ही उसको देख के ऊपर से नीचे से हमें सब कुछ बताया गया था। तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त बोला भी था कि आप इधर आइए, काम कीजिए, सेवा कीजिए। नहीं उस वक्त मंजूर था जो भी था, तो आप उसके बारे में बताएंगे। अब उसके मैंने उसको रीस्टडी किया है, तो जब उसके सारी लेबोरेटरीज देखी, डॉक्टर साहब उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, विश्वास नहीं होता कि आज की दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप उसमें बताइए कि ब्रह्मवर्चस्व में एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड हाउ दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमैनिटी। गुरुदेव की जो सोच थी त्रिखा जी, उसके स्थापना के पीछे वो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय था, और उसके पीछे सिंपल चिंतन था कि जो विज्ञान है वो बिना आध्यात्मिक बैकग्राउंड के, साइंस विदाउट एन स्पिरिचुअल लाइक माइंड सेट, टर्न्स टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, कि विज्ञान विनाश की ओर चला जाता है। वही परमाणु है, आप ऊर्जा बनाएंगे कि बम बनाएंगे, ये आपकी उसके पीछे की सोच पर निर्भर करता है। और धर्म बिना वैज्ञानिक सोच के अंधविश्वास में बदल जाता है। लोग कर रहे हैं चीज़ें, उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। लौकिक विकास के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, और इमर्ज फ्रॉम दोज स्टडीज देयर। और जो एम्पिरिकल वर्क है उसमें हम लोग चार मुख्य धाराओं में काम करते हैं, मंत्र है, योग है, यज्ञ है और ध्यान है। ये हम लोगों के मुख्य एरिया रहे, इनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, ऑक्यूपेशनल जितने भी पैरामीटर्स हैं, इस पर मोर देन आई थिंक 1000 पेपर्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड इन डिफरेंट जर्नल्स इन अदर प्लेसेस। इन एडिशन टू दैट, जो अभी देव संस्कृति जर्नल आपने पहले नाम लिया, दैट इज कैरिंग ए मेनी ऑफ द रिसर्चेस दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं अपने लिसनर्स को बता दूँ कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, डॉक्टर चिन्मय पंड्या ज्ञान के पुंज हैं। सो हम इस इंटरव्यू को थोड़ा सा रोक के एक और इंटरव्यू इसके बाद में लेते हैं, जो उनका एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके बारे में हम अपने लिसनर्स को बताएंगे, मैं भी उसमें थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करूंगा। सो इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे विद योर काइंड परमिशन सर। सो जैसे आपने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत बोला है, यूट्यूब में लगा है, मैं भी सुन के बहुत प्रभावित हूँ। आज मैं आपसे फेस टू फेस उसकी बात करना चाहता हूँ। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी, चाहे गायत्री यज्ञ के बारे में बोल सकते हैं, दैट विल बी योर चॉइस। सो अगला जो इंटरव्यू हम करेंगे अभी राइट वे, राइट आफ्टर दिस इंटरव्यू, दैट विल बी ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ योर सिलेक्शन। मेरी तो तसल्ली हो गई है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि आपने जो हमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बारे में बताया, आई एम टोटली इंडेप्टेड टू यू सर। आपने यहाँ पे आके हमें इतना कृतार्थ किया है, CFRU स्टूडियो को, CFRU रेडियो को, और मेरे को, नवरंग वेल्फ को, और मेरी सारी लिसनरशिप को। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। एक बार फिर हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी से मिल रहे हैं। इन्होंने उनकी इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुका हूँ, बहुत ज्ञान के पुंज हैं। तो अब मैं उनको पूरे का पूरा टाइम वही बात करेंगे, मैं चुप रहूंगा। वो हमें सिर्फ गायत्री यज्ञ के बारे में बताएंगे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गायत्री यज्ञ इन दिस प्रेजेंट टाइम्स। ओवर टू यू सर। धन्यवाद रेखा जी। उत्तर तो काफ़ी लंबा हो सकता है, पर मैं इस भ्रांति के साथ शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में शायद यज्ञ की इतनी आवश्यकता नहीं है, कि वेदर वी रियली नीड और इट्स ओनली ए रिचुअल दैट वी आर कंटिन्यूइंग टू रिपीट विदाउट नोइंग द सिग्निफिकेंस। तो उसके जो तीन मेजर एलिमेंट हैं, तो उसका उद्देश्य क्या हुआ करता था, क्यों हम लोग यज्ञ करते थे, दूसरा उसके पीछे की एक्चुअल फिलॉसफी क्या है, बिकॉज देर आर फोर मेजर डायमेंशंस। वन इज़ द क्लिनिकल डायमेंशन ऑफ द यज्ञ, विच इज़ द साइंटिफिक डायमेंशन, हम यज्ञ को एक थेरेपी के रूप में करते हैं। दूसरा, यज्ञ एक फिलॉसफी है, वे ऑफ लिविंग है। तीसरा, यज्ञ का स्पिरिचुअल डायमेंशन है। और इन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ, सो दैट वी कैन प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यज्ञ इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट। पहला तो ये है कि जो यज्ञ को करने के पीछे का उद्देश्य था, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्यूरिफाई द इन्वायरमेंट। हम लोग हिंदी में दो शब्द बोलते हैं, जलवायु है, वातावरण है। जलवायु इज इन इंग्लिश इज द एटमोसफियर एंड वातावरण इन इंग्लिश इज द इन्वायरमेंट। एटमोसफियर वी आर एबल टू इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फिजिकल पैरामीटर्स, जो फिजिकल बायोलॉजिकल एटमोसफेरिक एलिमेंट्स हैं, जल है, वायु है, हवा है, पवन है, इनके माध्यम से प्रभावित होते हैं। वातावरण वो है जो दिखाई नहीं पड़ता, बट इट इम्पैक्ट्स आवर वे ऑफ थिंकिंग, आवर वे ऑफ लिविंग सिग्निफिकेंटली।
मैं रीगा में था लाटविया में, और देर इज़ ए बिल्डिंग वेयर नंबर ऑफ एट्रोसिटीज वर डन इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जो जिनके साथ में जा रहा था दे वर लाटवियन, दे टुक ए डिफरेंट रोड, उन्होंने कहा हम इधर से नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि इधर बहुत ज़्यादा मर्डर वगैरह हुए थे, दिस एंटायर एरिया इज ऑलमोस्ट कर्स्ड, नो वन वॉन्ट्स टू टेक दिस पाथ बिकॉज द इन्वायरमेंट इज सो डिफरेंट। एवरी वन नोज कि आप यदि चर्च के अंदर बैठे, टेम्पल के अंदर बैठे, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर बैठे, यू फील वेरी वेरी डिफरेंट। और आप लाइब्रेरी में बैठेंगे, आप डिफरेंट फील करेंगे, क्लब में बैठेंगे, बार में बैठेंगे, वहाँ जहाँ एट्रोसिटीज़ हुई हैं वहाँ बैठेंगे, यू फील डिफरेंट, द सटल इन्वायरमेंट ऑफ द प्लेस इज वेरी वेरी डिफरेंट। और जब जब इन्वायरमेंट इस तरीके से टॉक्सिक हुआ है दैट इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ द पीपल, जैसे बाहर धुआं फैल जाए तो आपके फेफड़े मजबूत हो आप सांस नहीं ले सकते, बाहर अंधेरा हो आपकी आंखें मजबूत हो आप बिल्कुल देख सकते हो, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट कि यदि सटल इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी आ जाती है देन इट नीड्स टू बी प्योरीफाइड, इट नीड्स टू बी रिफाइंड फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क एफिशिएंटली। जब पूरा का पूरा राम रावण युद्ध समाप्त हो गया तो जाने के बाद जो पहला काम भगवान राम ने किया वो ये किया कि वो काशी गए, वाराणसी जा करके 10 अश्वमेध करे, ताकि रावण तो खत्म हो गया था पर रावण के खत्म हो जाने के बाद जो निगेटिविटी रिमेनिंग रह गई थी उसको हम लोग प्योरीफाई कर सकें। इक्वली महाभारत पूरा हो जाने के बाद भगवान कृष्ण ने 108 वाजपेयी राजसूय यज्ञ किए ताकि जो सटल निगेटिविटी थी दैट शुड बी गॉन। सो द पर्पज ऑफ द यज्ञ that we are unable to see in the physical dimension is to spread the aura that would go in the subtle dimensions, जो कि सूक्ष्म के dimension में जाए, उन जगहों पे microscopic dimensions में जाए, to change, purify, embellish the entire, like you know, setting, पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए। और जो उसके पीछे का दर्शन है वो अद्भुत है, क्योंकि यज्ञ शब्द जो है वो संस्कृत में यजन शब्द से आया है, और यजन शब्द के 3 अर्थ होते हैं। संस्कृत के विषय में मैं बताना चाहूंगा आपके जो ऑडियंस है उनको, ये बहुत यूनिक लैंग्वेज है। जैसे क्या है वहाँ पे जो रूट वर्ड होता है दैट गिव्स द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे हम हार्ट के लिए वर्ड यूज करते हैं हृदय, और हृदय जो है वो 3 संस्कृत शब्दों से आया है, हरति ददाति याति। हरति का मतलब टू रिमूव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। ददाति मीन्स टू गिव प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड याति means to pulsate. So the word itself is the description of the organ. कि आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। सेम जो यज्ञ शब्द है वो यजन से आया। यजन का मतलब होता है साथ साथ बैठना। So it's a collective process. जप है, मंत्र है, ध्यान है, आदमी इंडिविजुअल कर सकता है, घर में बैठ के कर सकता है। यज्ञ is a collective process that you do together with the entire community. And उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि देवीय शक्तियों को धारण करना, अच्छे गुणों को धारण करना। और जो देव है वो गॉड ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कल्पना है कि कोई बादलों में बैठे हुए हैं और पंखे झल रहे हैं लोग, वो देवता कहलाए, बल्कि देवता वो हैं जिनको हमारे यहाँ डिफाइन किया गया, जिनके अंदर देने का भाव, जो मिला है उसको शेयर करने का भाव हो तो वो देवता कहलाते हैं। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है कि नारद ऋषि के मन में भाव आया कि साहब देवताओं और असुरों में भेदभाव प्रजापति ब्रह्मा ने क्यों किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से जाके पूछा, उन्होंने कहा साहब आप बताइए, आपने दोनों में से एक को तो सब अच्छा अच्छा दे दिया, एक को बुरा बुरा दे दिया। देवताएं जो हैं वो भी आपके बच्चे हैं, असुर भी आपके बच्चे हैं। बोले एक को आपने स्वर्ग में बिठा दिया है, एक को आपने कल्पतरु दे दिया, कामधेनु गाय दे दी, उनको अमृत भी मिलता है, यज्ञ का भाग भी मिलता है, और असुरों को बेचारे अंधकार में डले हुए नरक में उन लोग गाली भी देते हैं। उन्होंने कहा भाई भेदभाव किसी के साथ नहीं है, किसी को लीनियज के आधार पर नहीं मिला, विरासत के आधार पर नहीं मिला, कर्म के आधार पर मिला है। बोले यदि ऐसा नहीं होता तो वलि हैं, प्रहलाद हैं, विरोचन हैं, सब ने दानवों के कुल में जन्म लिया और सबकी गणना देवताओं में होती है, और राक्षस के रूप में हम रावण को जानते हैं जबकि उनने ऋषियों के खानदान में जन्म लिया, पुलत्स के पौत्र थे। बोले उसके बावजूद हम उनको राक्षस मानते हैं। तो बोले इससे नहीं है, क्या कर्म करते हैं उस पर निर्धारण है। बोले पर आपको पता करना हो तो एक काम करते हैं, सभी को बुलाते हैं आज खाने पर। तो देवताओं असुरों सबको बुलाया गया, खाना लग गया। असुरों के कक्ष में पहले गए भगवान, बोले ऐसा है खाना आपको मिलेगा सबसे बेहतरीन खाना यहाँ, पर आपके पास एक ही शर्त है कि कोहनी को मोड़े बगैर खाना है। असुर बड़े संकट में पड़े कि साहब बिना कोहनी को मोड़े हाउ वी वुड ईट विदाउट बेंडिंग द एल्बो। उन्होंने बहुत कोशिश करी और सारा खाना फैल गया, कोहनी मोड़े वगैरह कैसे खाएंगे, सारा खाना फैल गया, भूखे उठ गए।
देवताओं के एक रूम में आए, सेम कंडीशन रखी, देवता समझ गए कि उनको उनकी खाने को मिल बांट करके खाना है। इधर ने बैठे अपने बगल वाले को खिलाया, उसने अपने बगल वाले को खिलाया, विदाउट बेंडिंग द एल्बो एवरीवन वाज फेड। तो भगवान ने कहा कि जो अपने रोटी को मिल बांट करके खाना जानता है वो देवता कहलाता है, जिसके पास इतनी डिजायर है कि वॉट एवर वी हैव वी गिव इट टू अदर, एंड दैट्स द एसेंशियल पर्पज ऑफ द फिलोसफी ऑफ द यज्ञ। यज्ञ के पीछे का दर्शन यह है कि जो मिला है उसे बांटें। आप देखो यज्ञ के अंदर जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, लकड़ी है, घी है, सारी चीजें, वॉट एवर वी हैव टेकन इज नॉट मेड बाय अस बट इज गिवन टू अस बाय द नेचर, एंड दैट वी आर रिटर्निंग इट बैक टू द नेचर। जो हमें मिला वो हम दूसरे को बांट रहे हैं। जैसे आपने घी डाला उसमें, अब घी होम हो गया तो शुद्ध हवा होकर, शुद्ध संस्कार होकर, शुद्ध भावनाएं होकर पूरी सृष्टि में फैलेगा। ये उसके पीछे का चिंतन है। दैट इज द फिलोसफी टू टेक फ्रॉम द यज्ञ। एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट इज इवन बिगर, जो उसके पीछे का साइंटिफिक एस्पेक्ट है, जिसको हम यज्ञ की थेरेपी के नाम से जानते हैं, जो उसके पीछे का उद्देश्य है वो ये है कि यदि आप ध्यान से देखें तो वॉट इज हैपनिंग कि आपने यज्ञ को जलाया, यज्ञ में आग जलती है, और आग जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वेरेवर देर इज, जहाँ पर भी फायर होगी कम्बशन के कारण, और जो कम्बशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, आपको याद होगा कि पिछले समय में जहाँ जहाँ पर भी यज्ञ है उसके चारों ओर प्लांट की हेजेज होती थी। तो दिस इज टू एस्टेब्लिश ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इधर से हमने उनको कार्बन डाइऑक्साइड दी, उन्हें ऑक्सीजन दी, दे बोथ आर सर्वाइविंग। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, ब्यूटीफुल। और जो धुआं निकला वो धुआं जो है, देर आर थ्री डिफरेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन। वन इज दैट इट इज एक्चुअली, एक तो फ्री रेडिकल्स पर कंट्रोल है, और तो क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो आप देखें जहां जहां है वहां पर बारिश होने का रहता था, प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहे हैं इसलिए भी, और इसलिए भी कि वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन है तो बारिश होगी। बारिश होने से ऑब्वियसली जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन रहेगा। दूसरा फेमस एक्सपेरिमेंट था जो हमने DST के साथ किया था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, कि उन लोगों ने इसको देखा कि धुएं का असर क्या होता है। व्हाट दे फाउंड कि जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं दे गो सिग्निफिकेंटली डाउन। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल, एयर क्वालिटी विल बी बेटर, एयर क्वालिटी विल बी बेटर, और वाटर में इट इम्प्रूव्स द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड इन एडिशन टू दैट इट ऑल्सो व्हाट इट एसेंशियली डज इज कि जो बैक्टीरियोलॉजिकल काउंट है वाटर का वो भी ये बेहतर करता है, बैक्टीरिया को किल करता है, तो वाटर पोल्यूशन भी खत्म होता है। जो बच गया, जो ऐश बच गई, वो ऐश आपने ली और उसको आप खेतों में डाल के, इट इज रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो शुरू से आप देखेंगे अभी अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रिया में लोग इसी एक्सपेरिमेंट्स को करने में लगे हुए हैं कि दे आर स्प्रिंकलिंग इट ऑल ओवर द प्लेस, और जब स्प्रिंकल करते हैं तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है लैंड की, इट ग्रोज बेटर, जो बहुत जगहों पे अभी प्रयोग चल रहे हैं। बेसिकली आपने क्या किया कि आपने जितना नेचर से लिया था यू रिसाइकल्ड इट बैक एंड गिवन इट टू द एनवायरनमेंट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जीरो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द यू नो दैट वॉज क्रिएटेड बाई द ऋषिज, कि हमने जितना प्रकृति से लिया उसको रिसाइकिल करके रीयूज कर लिया, वी हैव गिवन इट बैक टू द नेचर, एवरीथिंग दैट वी टुक फ्रॉम द नेचर वी गिव इट बैक, एंड एवरीथिंग मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। एयर पोल्यूशन नीचे गया, वाटर पोल्यूशन नीचे गया, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, हमारे उसके प्लांट के बीच की रिलेशनशिप बेहतर हुई, जो बच गया उस सॉइल न्यूट्रिएंट इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, और जो ऑरा निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, वो निकल ही रहा है। इसके अलावा जो क्लिनिकल इम्पैक्ट है दैट इज इवन सिग्निफिकेंट, क्योंकि क्या है, हमें जब मेडिसिन देनी है तो ओरली आप देंगे इट गोज टू द हेपेटोबिलरी सर्कुलेशन, तो उतना हिस्सा चला जाता है, लिवर ने किडनी ने ले लिया, तो सम इज मेटाबोलाइज्ड, सम इज एक्सक्रीटेड, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव, लाइक यदि आपको इफेक्ट देखना है पर्टिकुलर मिलीग्राम का पैरासीटामोल का, बट यू वुड हैव टू गिव 650 मिलीग्राम ऑफ पैरासीटामोल व्हाइल ओनली 112 इज बीइंग यूज्ड, बायो अवेलेबिलिटी लो है। उसको बाईपास करने के लिए आप इंजेक्शन दे दीजिए, पेरेंट्रल रूट है, बट दैट इज ए पेनफुल प्रोसेस, इनवेसिव प्रोसेस है। जो बेहतर प्रोसेस है वो इनहेलेशनल है, कि आपने सीधे सिस्टम को दिया, टिश्यूज ऑर्गन्स के पास पहुंचा, एंड इट इज नॉन इन्वेजिव प्रोसेस एंड इट डिलीवर्स द ड्रग डायरेक्टली। एनेस्थीसिया इसीलिए इनहेलेशनल दिया जाता है। सो दिस इज एन इनहेलेशनल मोड ऑफ द ड्रग डिलीवरी वेर यू आर ट्रांसपोर्टिंग द मेडिसिन डायरेक्टली। तो जो हर्ब हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू ट्रीट डिफरेंट कंडीशंस। उसके अंदर हर्ब का जो कॉम्बिनेशन है इट इज टेकन डायरेक्टली टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, bypassing the hepatobiliary circulation, making it non-painful, सीधे drug के अंदर deliver करेगा। और एक को नहीं, आप 50,000 को दीजिए, 1,00,000 को दीजिए आप।
हम आज का प्रोग्राम नवरंग गुएल्फ का यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू टाइम स्लॉट के कारण इसको थोड़ी जल्दी बंद करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है।